स्टन, इन दोनों का अगर एनालिसिस करने के लिए जाएं तो हमें इसमें कुछ कॉमन फैक्टर मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर यानी दोनों ने ही जनरल फैक्टर को रिकॉग्नाइज किया। बोथ हैव रिकॉग्नाइज्ड जनरल फैक्टर बिकॉज दोनों ने ही बोथ यूज्ड स्टैटिस्टिकल वेज मींस बोथ वर साइकोमेट्रिशियन। थर्ड, बोथ यूज्ड फैक्टर एनालिसिस। दोनों ने ही फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया, जहां एक और एक व्यक्ति जी और एस के बीच में फैक्टर्स ढूंढ रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति अलग अलग फैक्टर्स के बीच में रिलेशन देखने की कोशिश कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोमेट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी द्वारा ये 1980s में रिसर्च चालू की गई थी, जिसके आप बात कर रहे हैं, और इसे 2002 में इसके आंकड़े दिए गए। अब आते हैं फोर्थ फैक्टर की तरफ, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दोनों में ही और क्या कोई ऐसी चीज है जो कि कॉमन है? दोनों में क्या ऐसी कोई और चीज है जो कॉमन है? ध्यान से समझिएगा, दोनों ने ही कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस फैक्टर की बात की। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? अब जब हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, कहानी तब जाकर के थोड़ी सी गड़बड़ होती है, और हम उस पे आते हैं जरा, क्योंकि ये तो आसान है, क्योंकि ये तो हमने चार बिंदुओं में समझ लिया जो हमें नजर आ रहा है। बट प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम हमेशा आती है ऐसी थियोरीज में जब आप डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप थोड़ा सा समझिए, ये जितने भी आपको चक्कर नजर आ रहे हैं ना, ये सब हैं फैक्टर्स, राइट? सो दीज ऑल आर फैक्टर्स। अब इसमें मान करके चलिए कि जब स्पीयरमैन काम कर रहे थे, उन्होंने पाया कि इसमें से कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो जनरल हैं, उन सबको मिला करके उसने कह दिया जनरल फैक्टर्स, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक, हम आगे शब्द क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज मैटर करता है परफॉर्मेंस। जनरल परफॉर्मेंस में जो जरूरी होते हैं वो जनरल फैक्टर्स जरूरी होते हैं, और जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जरूरी होते हैं, दोज आर स्पेसिफिक फैक्टर्स। दैट वॉज स्पीयरमैन, ये स्पीयरमैन थे, राइट? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा
कि ये जितने भी फैक्टर हैं ये अलग अलग चीजों की तरफ हमारा इशारा करते हैं, यानी डिफरेंट चीजों को अगर एग्जीक्यूट करना हो, अलग अलग कार्यों को करना हो, तो हमें अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स की जरूरत होती है। ये थे चार्ल्स स्पीयरमैन। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पे थर्स्टन की, तो थर्स्टन फैक्टर एनालिसिस तो करते हैं, पर वो जी और एस का खंडन करते हैं, यानी क्रिटिक करते हैं, और वो कहते हैं कि देयर आर, इसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ दिस, वो कहते हैं बहुत सारी एबिलिटी कंपोनेंट होते हैं, और ये जो एबिलिटी कंपोनेंट होते हैं ये फैक्टर्स का निर्माण करते हैं, और यही जो फैक्टर्स होते हैं ये अकेले नहीं काम करते बल्कि ये ग्रुप में काम करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात की थी। ये 7 मेंटल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ग्रुप में काम करती हैं, यानी कि एक चक्का दूसरे को घुमा रहा है और फिर वो सब एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर रही हैं। हर एक चक्का अलग अलग काम कर रहा है, दिमाग का हर एक फंक्शन अलग अलग काम कर रहा है, एंड दैट वॉज स्पीयरमैन।